रूस पर हुआ है 9/11 जैसा हमला। हम आपको बता दें, यूक्रेन का एक ड्रोन सारतोव की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकराया। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ मेरे सहयोगी जोड़ा है। मयंक, पूरी घटना क्या है जरा बताइए। देखिए, 9/11 जैसा हमला जो है, बिल्कुल उसी तर्ज पे जो है रूस का सारतोव जो शहर है उस पे ही अटैक किया गया है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक ड्रोन उड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी तेज गति के साथ सारतोव की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, जो बताया जा रहा है कि करीब 40 मंजिला बिल्डिंग थी, उसके 19th फ्लोर से जाके ये प्लेन टकरा गया है। और उसके बाद जो हमने देखा था, जैसे 9/11 के बाद जिस तरह से धुएं का गुबार उठा था और धुआं उठा था, बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें जो है ये सारतोव शहर पे भी देखने को मिली है। इस बात की पुष्टि कर दी है। जी हाँ, यूक्रेन की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमने हमला किया है, और रूस ने भी इस बात को बताया है कि स्वीकार किया है कि हमला हुआ है और यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ है। देखिए, अभी ऐसा बताया जा रहा है जो शुरुआती खबरें हैं उसके मुताबिक कि करीब 19 से 20 ड्रोन यूक्रेन ने जो है वो रूस के ऊपर फायर किए थे, जिनसे हमले होने थे, और कई सारे ड्रोन थे, अटैक्स जो थे उसे रूस ने फेल कर दिया, लेकिन ये एक जो ड्रोन था, ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उससे जाके टकरा गया। और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में अंदर एक महिला थी जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गई। और लेकिन हालांकि ये बिल्डिंग गिरी नहीं, जिस तरह से जो 9/11 की तस्वीरें थी, जो हमने देखा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक था और उसके बाद ट्विन टावर्स जो थे, दोनों टावर्स कोलैप्स कर गए थे, वैसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो कमर्शियल प्लेन्स थे, बड़े प्लेन्स थे, उसमें फ्यूल ज़्यादा था। ये ड्रोन से हमले किए गए, तो ड्रोन की के अटैक की वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, ब्लास्ट हुआ, लेकिन उस तरह की तस्वीरें नहीं है जैसे 9/11 की थी। लेकिन नीलू, एक बात ये अब साफ है कि यूक्रेन ने जो है रूस को इस पूरे वॉर में अच्छा खासा लंबा उलझा दिया है, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है। कुछ दिनों में हमने देखा है यूक्रेन अपनी तरह से बहुत अटैकिंग हो गया है, लगातार हमले कर रहा है। रूस भी इस बात की पुष्टि अब तक तो नहीं करता रहा है, लेकिन अब एक एक हमले हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उस बात की पुष्टि भी रूस ने कर दी है। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक तो कर्क्स के अंदर जो है यूक्रेन की सेना का दावा है, यूक्रेन का दावा है कि करीब 30 किलोमीटर तक हम रूस के क्षेत्र में अंदर हैं, और जो है वहां पे लगातार हमले हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस जोन में जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ड्रोन जो है वो रूस के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ये बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही है जैसे इसराइल के लिए हिजबुल्ला के ड्रोन जो है वो परेशान कर रहे हैं, लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है हिजबुल्ला, बिल्कुल उसी तरह से यूक्रेन जो है इसके ड्रोन जो है रूस के लिए परेशानी बने हुए हैं। और अभी तक जो देखने को मिला है कि एक साथ जो है यूक्रेन के कई सारे ड्रोन्स जो है वो रूस की सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। आज जो हमला हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि रूस का एक एयरबेस था, उसको टारगेट करके ये हमले किए गए थे। लेकिन ये जो सारतोव का जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी रिहायशी इलाके की, उससे ये ड्रोन जो है वो टकराया है। एयरबेस को कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। रूस का कहना ऐसा है कि हमने काफ़ी सारे यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं उन्हें मार गिराया गया है, और जो टारगेट था उनको वो सफल नहीं हो पाया, मतलब हमला था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। लेकिन यूक्रेन का कहना ऐसा है कि एक बड़ा नुकसान जो है वो रूसी सेना को पहुंचाया गया है। बिल्कुल, और अब हम आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर यूक्रेन ने 20 ड्रोन से हमला किया, सबसे ज्यादा 9 सारतोव पर दागे गए हैं, और अलग अलग इलाकों में भी ये ड्रोन दागे गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इसका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक जरूर तस्वीर सबके नजर में आई है जो कि बिल्कुल 9/11 से मिलती जुलती है। पीछे कुछ दिनों में यूक्रेन लगातार रूस को पीछे धकेल रहा और रूस के लिए मुसीबत बनता चला जा रहा है। यहाँ पर शांति कहाँ दिखाई दे रही है? मैं देखिए, अभी आप देखें, पिछले 15 दिनों से ऐसा लगता है कि मानो यूक्रेन ने और नेटो फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी है, और पता नहीं क्यों जैसा ऐसा लगता है जैसे जैसे इसराइल के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है वो उसको इससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि रूस पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई अगर इसराइल को टारगेट किया जाता है तो फिर वहाँ पे आप भी सेफ नहीं हो। तो पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव हमले हुए हैं, और आज जो ड्रोन अटैक था, ये तो जो तस्वीरें इसके सामने आई, सबको जो है वो 9/11 की यादें, सबको एक बार जो है मेमोरीज फिर से, जो बुरी यादें थी वो सबकी एक बार फिर ताजा हैं। बिल्कुल, तो रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन की ड्रोन ने जबरदस्त हमला किया है। हालांकि बहुत ज्यादा कैजुअल्टी तो नहीं हुई है इसमें, लेकिन एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से एक ड्रोन का हमला है। अब रूस को भी देखना होगा कि किस तरह से इन हमलों को रोका जाए। यूक्रेन लगातार आगे तरफ बढ़ता चला जा रहा है और रूस उसे रोकने में फिलहाल इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।